हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट ओनली। टुडे इज़ माय टॉपिक उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ। एग्जामिनेशन रहेगा सितंबर 2018। कोर्स रहेगा डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, थर्ड ईयर जीएनएम थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। सब्जेक्ट है मिडवाइफरी गायनेकोलॉजिकल। टाइमिंग 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 75 मार्क्स। फर्स्ट ईयर में जो इंस्ट्रक्शंस हैं, 4 ऑप्शंस ऑफ आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन आर गिवन, ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, चूज एंड राइट ओनली द करेक्ट ऑप्शन। 5 मार्क्स करेगा। फर्स्ट ईयर में इन्फ्लेमेशन सॉल्वर इज नो एज, 1 मार्क्स। स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट बिटवीन द पेरिटल बोन इज 1 मार्क्स। कॉमनेस्ट साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज, ये आपका 1 मार्क्स करेगा। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है डायमीटर ऑफ टैंगोल एंड कंजुगेट इज नेक्स्ट है। प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा इज कॉल्ड, 1 मार्क्स। चूज एंड राइट रोंग इन द स्टेटमेंट, तो ये भी आपके 1 1 मार्क्स करेंगे। टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। तो फर्स्ट इसमें है एंड ऑफ मेटेरियल इज द मिडल ईयर ऑफ यूट्रेस। APGAR scoring is used to assess the progress of labors. Next है MTP is premature up to 20 weeks. The most ideal pelvis for childbirth is genicoid pelvis. Next इसके बाद आएगा surgical remover of uterus is known as the hysterectomy. ये आपका 1 मार्क्स करेगा। Next इसके बाद आ जाएगा fill in the blanks आएंगे, ये भी आपके 5 5 मार्क्स करेंगे, राइट। और 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स करेगा। तो फर्स्ट इसमें है एंटीरियर मोटेनेटर क्लोज्ड बाय डैश मंथ्स आफ्टर बर्थ। नेक्स्ट है दी ओसी, नेक्स्ट इसके बाद देखिए ओसीपिट फॉर्मेंटर एंड डायमीटर इज डैश सेंटीमीटर। नेक्स्ट इसके बाद दिया गया है प्रीनियर टीयर बियॉन्ड द एंड फोर्चिटी एंड नोट इन्वॉल्विंग द रेक्टम इज कॉल्ड। नेक्स्ट है दी प्रोसेस बाय विच द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिटर्न्स टू इट्स प्री ग्रेविटी स्टेट इज टर्म एज डैश। नेक्स्ट इसके बाद देखिए वुमन हु हैज़ नेवर गिवन बर्थ टू अ वायबल चाइल्ड इज नो एज, तो इसमें भी 1 मार्क्स करेंगे। टोटल 5 मार्क्स करेगा। इसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, इनमें से एनी 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, 20 मार्क्स करेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी मैंने आपसे क्वेश्चन पेपर शेयर किए उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल तो हर एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, तो आप इसे एक बार अच्छे से जरूर कर लीजिएगा। आपके 10 या 5 मार्क्स कहीं भी नहीं जाएंगे अगर आप इसे अच्छे से कर लेते हैं और विद इसका डायग्राम। नेक्स्ट इसके बाद आएगा फीटल सर्कुलेशंस एंड इसके बाद नेक्स्ट दिए गए हैं एगा स्कोर एंड माइनर डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी इनफर्टिलिटी कोड प्रोपोलिसी, ये 5 5 मार्क्स करेंगे। टोटल आपका 20 मार्क्स का होगा। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, आंसर इन डिटेल एनी 4 ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन, में से भी आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, टोटल 40 मार्क्स होगा। फर्स्ट इसमें दिया गया है डिफाइन नॉर्मल लेबर, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ नॉर्मल लेबर एंड डिस्क्राइब द मैनेजमेंट्स ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। आपको नॉर्मल जो लेबर है उसके बारे में डिफाइन करना होगा। इसके पहले आपको थोड़ी सी डेफिनेशन देनी है, देन इसके बाद आपको नॉर्मल जो लेबर है उसके स्टेजेस के ऊपर आपको लिखना है, देन इसके ऊपर डिस्क्राइब करना है आपको सेकंड स्टेजेस ऑफ लेबर पर, राइट। 10 मार्क्स करेगा। डिफाइन प्रेगनेंसी, राइट द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फर्स्ट ट्रीमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। आपको इसमें प्रेगनेंसी के ऊपर डिफाइन करना है, देन इसके साइन सिम्टम्स के बारे में जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी उसके बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद आ जाएगा व्हाट इज प्लेसेंटा प्रीविया एंड राइट द टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया एंड इट्स मैनेजमेंट, राइट। तो आपको इसमें क्या करना है, प्रीविया प्लेसेंटा के ऊपर आपको थोड़ी सी डेफिनेशन लिखनी है और इसके टाइप्स प्लेसेंटा के एंड इट्स मैनेजमेंट्स के बारे में लिखना है, ये 10 मार्क्स का होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट दिया गया है, राइट द कॉजेज साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मैनेजमेंट्स ऑफ आयरन डेफिशेंसी एनीमिया प्रेगनेंसी, 10 मार्क्स करेगा। नेक्स्ट इसके बाद दिया गया है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये है डिफाइन एबॉर्शंस एंड क्लासीफाई एबॉर्शन एंड एक्सप्लेन सेप्टिक एबॉर्शंस इन डिटेल, 10 मार्क्स करेगा। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है डिफाइन प्री एंड एक्सलमेफिसिया एंड व्हाट आर द साइन ऑफ प्री एंड एक्सलमेफिसिया एंड राइट इन डिटेल द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ प्री एक्सलमेफिसिया, ये आपका 10 मार्क्स करेगा। और जो ये क्वेश्चन पेपर है ये मिडवाइफ गायनेकोलॉजिकल का रहेगा, जीएनएम थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। और जितने भी क्वेश्चन है ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि जो ये नॉर्मल लेबर है और इसकी जो स्टेजेस हैं इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ, आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन पेपर में मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो क्वेश्चन हर बार रिपीट किया गया है, चाहे तो वो 10 मार्क्स का हो चाहे वो 5 मार्क्स का हो या फिर आपसे ये फिलअप्स भी पूछा जा सकता है, राइट। तो आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।